हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ सुनील पाटीदार वी आर हियर टू डिस्कस द बॉटनी पोर्शन ऑफ एम टी एस नाइन दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अमीनो एसिड सिक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाई द सीक्वेंसेस ऑफ यस अमीनो एसिड का सिक्वेंस किसके सिक्वेंस से डिसाइड होता है तो वो डिसाइड होता है कोडोन्स से बेटा यस yes. और कॉडोन्स जो हैं वो किसके सिकवेंस को कहते हैं हम एम आर एन ए एम आर एन ए के सिक्वेंस को हम कहते हैं कोडोन्स और <coughs> कोडोन्स का जो सिक्वेंस होगा वही अमीनो एसिड का सिक्वेंस होगा प्रोटीन में सो द आंसर इज सेकेंड एम आर एन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन एन ऑर्गेनिज्म एट वन पॉइंट ऑफ द प्रोसेस कम्स टू अ हॉल्ट सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द थ्री कोडोन्स फ्राम द फॉलोइंग फ्राम विच एनी ऑफ द थ्री कोडोन एनी ऑफ द थ्री को ब्रिंग अबाउट दिस हॉल्ट कह रहा है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस के एक पॉइंट पर जो ट्रांसलेशन की मेकेज़म है वो हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना स्टॉप हो जाती है तो वो तीन कोडोन की वजह से हो सकती है यस और वो ग्रुप देखना है हमें तीन कोडोन का तो स्टॉप कोडोन का ग्रुप देखना है हमें तीन स्टॉप कोडोन यू ए जी यू जी एंड यू ए ए विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली ओके कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं इनको रीड करते हैं यस यू टी आर आर प्रजेंट एट बोथ फाइव डैश एंड बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड थ्री डैश एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन ऑफ एम आर एन ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एम आर एन ए अगर मैचोर एम आर एन ए की स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ ऐसी होती है फाइव डैश और थ्री डैश ये फाइव डैश और फाइव डैश पर कैपिंग होती है सेवन एम सेवन एम गुआनोसिन ट्राइफोसफेट की फिर इसके बाद यहाँ होते हैं यूटीआर और यहाँ से चालू होता है आपका स्टार्ट कोडोन ए और यहाँ पर लास्ट होता है आपका स्टॉप कोडोन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है हम यू मान लेते हैं yes. यस और इसके बाद वापस होता है आपका यू और यू के बाद ये जो थ्री डैश एंड है यहाँ पर एडेनिन के 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर या फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए तो आप देखो यूटीआर जो है ये फाइव डैश एंड फाइव डैश एंड पर स्टार्ट कोडोन से पहले है यस दिस इज स्टार्ट कोडोन इससे पहले फाइव डैश एंड पर और स्टॉप कोडोन के बाद है थ्री डैश एंड पर सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज अमीनो असाइलेशन ऑफ आरआरएनए नो आरआरएनए का अमीनो एसिलेशन फर्स्ट स्टेप नहीं है टीआरएनए का अमीनो एसिलेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है ट्र, ट्रांसलेशन का एनसीआरटी की लाइन है गलत हो जाएगा स्टेटमेंट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स विद टी आर ये भी गलत हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट जो है आप एनसीआरटी में ट्रांसलेशन में जो फिगर दे रखा है वहां पे आप देख सकते हैं जो स्मॉलर सब यूनिट है वो राइबोसोम की जुड़ी होती है एम से और लार्जर सब यूनिट जुड़ी होती है टी से सो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो इनकरेक्ट

क्लो लीफ लोंग की पत्ती के जैसा दिखता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टू वर्ड्स फाइव डैश एंड अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन बिल्कुल करेक्ट है एनसीईआरटी की लाइन है देखो फाइव डैश एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन का मतलब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का देखें फिगर तो ये थ्री डैश ये डीएनए है और ये डीएनए का फाइव डैश एंड ये इसकी एंटी और कम्प्लीमेंट्री स्टैंड फाइव डैश टू थ्री डैश यहाँ प्रमोटर होगा बीच में स्ट्रक्चरल होगा और यहाँ होगा आपका टर्मिनेटर यस yes, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपकी है अब देखो एन ने साफ सुथरा लिखा है कि जितनी भी लोकेशंस हैं प्रमोटर की टर्मिनेटर की जितनी भी लोकेशंस हैं वो हमेशा इस वाले स्ट्रैंड फाइव डैश टू थ्री डैश स्ट्रैंड जिसको एन कहती है कॉर्डिंग स्ट्रैंड और जिसको रीडिंग किया जाता है वो होती है आपकी टेम्पलेट यस yes. और एन ने साफ सुथरा लिखा है कि ऑल द लोकेशन आर मेड विद रेस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रेंथ तो ये स्ट्रक्चरल जीन के कौन से किनारे पर फाइव डैश किनारे पर लोकेटेड है कौन प्रमोटर यस कोडिंग स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में हमें आंसर देना है तो सही बात है अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 2000 थाउजेंड बेस्ट पे है नॉट 2000 थाउजेंड दीज आर टू हंड्रेड बेस्पेर सो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है हाउ मैनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट देखो पूछा है नॉट इनकरेक्ट इनकरेक्ट नहीं है का मतलब क्या पूछा है करेक्ट कितने हैं ये पूछे हैं तो करेक्ट कितने हैं एक ये वाला करेक्ट है फोर्थ करेक्ट है और फर्स्ट करेक्ट है सो द आंसर विल बी थ्री द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज रॉन्गली मेजड द कैटेगरी मैंशन अगेंस्ट इट कौन सा भाई रॉन्गली मेजड है प्योरिन और पायरिमिडिन की कैटेगरी में तो देख लेते हैं हम एडिनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्योरिन होते हैं साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन ये तीनों होते हैं आपके पायरिमिडिन लेट्स मैच ग्वानिन एडेनिन प्योरिन है बिल्कुल सही है एडेनिन और थाइमिन ये प्योरिन है ये गलत हो जाएगा थाइमिन इज अ पायरिमिडीन यस था यूरासिल ये पायरिमिडीन है सही हो जाएगा यूरासिल और साइटोसिन ये रहे पायरिमिडीन हो जाएंगे ये सही तो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा आपका सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एग्जॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसमें एच एन आर एन ए जो होता है आपका फाइव डैश टू थ्री डैश ये एच एन आर एन ए है एच एन आर एन ए में इंट्रॉन्स और एग्जॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं एग्जॉन्स आर कॉल्ड कोडिंग पार्ट ऑफ एच एन आर एन एंड इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट तो हम क्या करते हैं कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है आपका इंट्रॉन यस एंजाइम्स की हेल्प से इस नॉन कोडिंग पार्ट को काट करके हटा देंगे और एक एंजाइम लाइगेस की हेल्प से जो कोडिंग पार्ट है आपका उसको यानी कि एक्जोन को जोड़ देंगे और इसको हम कहते हैं क्या स्प्लाइसिंग अब जो आर बना है ये एच एन जो बना है इस आर में केवल कोडिंग पार्ट होगा यस आंसर स्प्लाइसिंग नेक्स्ट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डी एन फर्स्ट वर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन डी का सेमी कंजर्वेटिव जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो सबसे पहले देखो दिया था मेसलसन और स्टाल ने बाय यूजिंग ईस्टीरिया कोलाई और ई e. कोलाई देखो विसिया फाबा में भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था टेलर ने यस yes, दोनों ही एक्सपेरिमेंट लगभग लगभग 1958 में हुए थे लेकिन एनसीआर ने साफ जब आप पढ़ोगे इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में तो पहली लाइन में लिखा है कि इट वॉज फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन ईस्टीरिया कोलाई बाई मेसलसन एंड स्टाल नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व सो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है चेंज इन सिंगल बेस पेयर एक सिंगल बेस पेयर जो है उसका सब्सटीट्यूशन किसी दूसरे बेस पेयर से हो जाए तो उसी को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन जबकि डिलीशन और इंसर्शन ये दोनों से होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कौन सा सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता तो पहले हमें समझना होगा कि वॉट इज सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा स्कीम ऑफ सेंट्रल डोगमा गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक एंड सेंट्रल डोगमा बताता है हमें कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर होता है तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा फोटो एन में स्कीमेटिक डायग्राम दिया है डी से बनता है आपका आर या बोल सकते हैं हम एम आर एन ए बोलना सही रहेगा डी एन ए से आप सारे आर एन ए बना सकते हो आर एन ए और आर एन ए से फिर वो इंफॉर्मेशन किधर की ओर जाती है प्रोटीन डी एन ए से डी एन ए भी बन सकता है ये रेप्लिकेशन होता है ये ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये ट्रांसलेशन होता है यस yes. तो अब देखो ये सेंट्रल डोगमा का है तो क्या पूछा है कि कौन सा सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता आंसर होगा बेटा इसका एच वायरस वाई बिकॉज एच वायरस जो है एक आर वायरस होता है ये आप सबको पता होना चाहिए और आय आर एन वायरस क्या करते हैं आर वायरस किसी होस्ट को अफेक्ट कैसे करते हैं ये पहले तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है आर एन यस आर इसको टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से यस yes, एक डी बनाते हैं जिसको आप कहते हो कंप्लीमेंट्री डी और सी डी यस yes. तो कुल मिला के सेंट्रल डोगमा में इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही बेटा डी से आर जा रही है जबकि वायरस में इस आर वायरस में इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है आर से डी जा रही है तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल डोगमा को ये फॉलो नहीं करता है यस यस क्वेश्चन वन जीरो नाइन इज पी सी आर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेड लेंथ पॉलीमोरफिजम आर द मैथड्स फॉर देखो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायरेक्ट आंसर है फिंगरप्रिंटिंग में आप जो पीसीआर यूज़ करते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए एन फ्रेगमेंट्स को किया जाता है और आप आर एफ एल पी इज़ द बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग यस होती है इस ये बेसिस से डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी ओके इन ट्रांसक्रिप्शन एडेनाइन पेयर्स विद यूरासिल ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है ये रेप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा भाई एडेनिन जनरली जनरली बात करें तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए नहीं आरएनए बनेगा तो थाइमिन की जगह क्या आएगा यूरासिल करेक्ट स्टेटमेंट है रेगुलेशन ऑफ लेक ऑपेरोन बाई रिप्रेसर इज रेफर्ड एज पॉजिटिव रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है एन में लाइन दी गई है रेगुलेशन ऑफ रिप्रेसर जो होता है वो नेगेटिव रेगुलेशन होता है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा द ह्यूमन जीनोमोक्सीटली फिफ्टी थाउजेंड जींस नॉ फिफ्टी थाउजेंड नहीं है ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड के अराउंड जीन्स होते हैं सो दिस इज ऑल्सो एंड करेक्ट देर इज अंगल डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पोलिमर दैट कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आर एन ए इन यू केरियोड्स ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया इसने कह रहा है कि यू केरियोट में केवल एक टाइप का आर एन ए पोलीमरेज होता है जो तीनों टाइप, टाइप का मतलब तीन टाइप एम आर एन ए आर आर एन ए टी आर एन ए उन तीनों आर एन ए को वो सिंथेसाइज या ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है तो यू कैरियोट में नहीं होता ऐसा ऐसा किस में होता है प्रो कैरियोट्स में होता है या बैक्टीरिया में होता है यस यू कैरियोट में तीन अलग अलग आर आर एन ए अलग अलग आर एन ए को बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं आर पी आर एन ए पोलिमरिज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है हाउ मैनी ऑफ द अबाव स्टेटमेंट्स आर नॉट इन करेक्ट नॉट इन करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है का मतलब इनकरेक्ट नहीं है मतलब क्या पूछा है करेक्ट पूछा है कि कितने करेक्ट हैं ये ऐसा क्वेश्चन बन गया अब तो कितना करेक्ट है पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट तीसरा इनकरेक्ट चौथा इनकरेक्ट आंसर इज वन वन करेक्ट है यहाँ नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन म्यूटेशन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है ऐसा पूछा है पढ़ लेते हैं यूवी एंड गामा रेज आर म्यूटेशन बिल्कुल सही बात है यू वी रेज और गामा रेज जो है ये प्ला रेज मेनली प्लांट्स में और यू वी रेज जो है ये डी एन ए में चेंज प्लांट के डी एन ए में चेंज कर सकती है यस यूवी रेज डी एन करता है चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डी एन ए डज नॉट कोज म्यूटेशन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ये सिकल सेल एनिमिया जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है कि बीटा ग्लोबिन चेन में छठे पोजिशन पर जी ए जी की जगह जी यू जी ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आता है तो यहाँ हो क्या रहा है यस चेंज कहाँ हुआ है एडिनिन जो है इसको रिप्लेस कर दिया किसने यूरासिल ने और चेंज इन अंगल बेसपेयर सिंगल बेस पेयर में ही चेंज हुआ है तो डिजीज इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया कहते हैं यस yes. और म्यूटेशन कोज डिजीजेस गलत स्टेटमेंट हो गया डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस बेसपेयर कोज शिफ्ट म्यूटेशन बिल्कुल सही है ये कैंसर का सेल्स कॉमनली शो क्रोमोजोमल अबरसन बिल्कुल सही बात है यस yes. जेनेटिक्स में आप इसको देख सकते हैं सो so, इन करेक्ट कौन सा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनली यूज वैक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग आर आंसर इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड yeast आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग का करेक्ट सिक्वेंस कौन सा होगा तो एन सी आर टी के ही से ये सब दिए हैं देखो सबसे पहले तो हम जो हमारे पास सैंपल डी एन ए हैं सैंपल सेल है उससे डी एन ए को निकालेंगे तो आइसोलेशन ऑफ डी एन ए फ्रॉम सैंपल सेल यस yes, ये हो जाएगा इसके बाद उस डीएनए को डाइजेस्ट कराएंगे बाय यूजिंग एंडो फिर सेकंड आ जाएगा तो पहले आएगा सी सी के बाद आएगा आपका बी और बी के बाद हाइब्रिडाइजेशन वीएनटीआर एन टी आर प्रोब ये बाद में होगा सदन ब्लोटिंग सेपरेशन ये सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ए आ जाएगा ए के बाद सदन ब्लॉटिंग होगी सदन ब्लॉटिंग में क्या होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एगारोज़ जेल में जो डीएनए के टुकड़े अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जम गए हैं या फंस गए हैं उनको कैसे निकाला जाएगा बाय यूजिंग सदन ब्लॉटिंग सो so, इसके बाद क्या आएगा ई एंड लास्ट में आएगा हाइब्रिडाइजेशन विज जी एन टी आर प्रॉप मैच कर लो सी बी ए डी आ गया यहाँ ए के बाद ई एंड डी आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ड्रोसोफिला विच इन ड्रोसोफिला डी एन ए विच इज डबल स्टैंडर्ड ओके सेवेंटीन परसेंट बेसेज वर शॉन टू बी साइटोसिन ठीक है द परसेंटेज ऑफ द अदर थ्री बेसेज एक्सेप्टेड टू बी प्रजेंट इन डी एन ए इन दिस डी एन ए आर कह रहा है कि ड्रोसोफिला में डबल स्टैंडर्ड डी एन ए होता है यस yes, सबको पता है होता है साइटोसिन का परसेंट दिया है इसने तो साइटोसिन का परसेंट दिया है कितना सेवेंटीन परसेंट तो अदर थ्री बेसिस का कितना होगा देखो यहाँ चारगाफ का कम्प्लीमेंट्री रो लो लगा सकते हो आप चारगाफ का कम्प्लीमेंट्री लो लगा सकते हो क्या कहता है चारगाफ का कम्प्लीमेंट्री लो कि जितने प्योरीन हैं उतने ही क्या होंगे पायरिमिडीन होंगे या बोल दें कि एडेनिन जितने होंगे यस उतने ही थाइमिन होंगे और जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे या इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्योरिन क्या होते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन और पायरिमिडिन क्या होते हैं थाइमिन प्लस साइटोसिन दोनों की कंसंट्रेशन एडेनिन थाइमिन के इक्वल होगा और ग्वानिन साइटोसिन से पेयरिंग करेगा तो देखो साइटोसिन का दिया है तो जितना साइटोसिन है ठीक उतना ही क्या होगा ग्वानिन क्योंकि जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही कम्पलीमेंट्री क्या होंगे पायरिमिडिन होंगे तो ग्वानिन का परसेंटेज भी कितना हो जाएगा सेवनटीन अब सेवनटीन तो ग्वानिन और सेवनटीन क्या हो गया साइटोसिन टोटल टोटल जो ये दोनों हैं ये दोनों मिला के हो गए थर्टी फोर अब बचा कितना सिक्सटी सिक्स बचा है सिक्सटी सिक्स बचा है और हमारे पास नाइट्रोजन बेस कौन कौन बचे हैं एडेनिन बचा है और बचा है तो थर्टी थ्री परसेंट एडेनिन हो जाएगा और थर्टी थ्री परसेंट क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा सो दिस विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू एच जी पी ओके द फंक्शंस आर अनोन फॉर ऑवर फिफ्टी परसेंट ऑफ डिस्कवर्ड जीन बिल्कुल सही बात है जितने भी थर्टी थाउजेंड जीन डिस्कवर किए हैं उनमें से आधे से ज्यादा के फंक्शन अभी तक अनोन हैं सही है साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट मिलियन वेयर सिंगल आर कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉरफिज दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट लेस देन टू परसेंट ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट एच जी पी ह्यूमन जीनो सॉरी ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी टू डैश करके लिखा है द लास्ट क्रोमोजोम टू बी सिक्वेंस्ड गलत है ये ये कह रहा है कि क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी टू लास्ट क्रोमोजोम था जिसको एच जी पी में सिक्वेंस किया गया था नहीं द लास्ट क्रोमोजोम वॉज क्रोमोजोम नंबर वन विच इज द लार्जेस्ट क्रोमोजोम ऑफ ह्यूमन जीनोम इट टैक्स ऑलमोस्ट थ्री इयर्स टू सिक्वेंसिंग इसके सिक्वेंसिंग में लगभग लगभग तीन साल लगे थे सबसे ज्यादा जीन भी क्रो, आ, क्रोमोजोम वन के पास है सबसे ज्यादा समय भी इसी को लगा था और सबसे लास्ट में यही सिक्वेंस किया गया था सो इन करेक्ट मैच हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन वन वन सिक्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आर एन ए आर एन ए के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है तो आर एन ए बींग सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है एंड रूल इज ऑनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स आइदर इट इज आर एन ए और डी एन ए और आर एन ए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसलिए रूल जो है चारगा पे एप्लीकेबल नहीं होगा सो आंसर इज वन इफ द दिक्वेंसेज ऑफ नाइट्रोजन बेसेज ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डी एन एडिंग स्ट्रेंड के सिक्वेंस दिए हैं इसने ठीक है ये बात ध्यान रखनी है इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज दिसन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वुड बी देखो कोडिंग स्ट्रैंड के क्या कोडिंग स्ट्रैंड इसका सीक्वेंस दिया है फाइव डैश ए टी जी ए ए टी जी 3 थ्री डैश अब कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है यस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबको अभी बताया था मैंने एक थ्री टू फाइव डैश होता है तो इसकी कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंड एंटी पैरेलल स्ट्रेंट हो जाएगी क्या फाइव टू थ्री डैश जिसकी रीड किया जाता है आर एन जिसको रीड करेगा उसको हम टेम्पलेट कहते हैं यानी कि थ्री थ्री डैश टू फाइव डैश को टेम्पलेट कहेंगे और टेम्पलेट के सामने वाली जो स्ट्रैंड है इसको क्या कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं तो आर एन रीड किसको कर रहा है इसको रीड कर रहा है अगर इसको रीड करेगा तो जो आर बनाएगा वो इसका कम्प्लीमेंट्री होगा थ्री डैश कंप्लीमेंट्री और एंटी एंटीपेरल होगा इसका थ्री डैश टू फाइव डैश का कम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होगा तो ये अगर हम देखें तो बनने वाला आर कैसा होगा फाइव डैश टू थ्री डैश होगा और बनने वाला आर इसका कम्प्लीमेंट्री होगा थ्री डैश टू फाइव डैश का तो फाइव डैश टू थ्री डैश जो कोडिंग स्ट्रेंट है ये भी तो इसी की कम्प्लीमेंट्री है कि नहीं यानी कि बनने वाले आर में जो सिक्वेंस होंगे वो ठीक कैसे होंगे जैसे कि कोडिंग स्ट्रेंड में थे बस आर में थाइमिन की जगह क्या लग जाएगा यूरासिल लग जाएगा तो कुछ नहीं करना है यहाँ थाइमिन जहाँ जहाँ है वहाँ यूरासिल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा आंसर इज़ ये रहा फोर ए थाइमिन की जगह यूरासिल हो गया जी थाइमिन की जगह यूरासिल और जी ये रहा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देंट्रल डोगमा ऑफ मलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन वॉज फ्लो फ्लोज फ्रॉम अभी देखा था हमने जेनेटिक इंफॉर्मेशन डी एन ए डी एन ए से आर एन ए बनते हैं और आर एन ए से ट्रांसलेशन के थ्रू बनती है प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर एन एक्ट एज स्ट्रक्चरल आर एन एज वेल एज राइबोजाइम राइबोजाइम वो एंजाइम होता है जो प्रोकेरियोट या बैक्टीरिया में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड दैट इज 23s थ्री ऑफ़ लार्जर सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम नेक्स्ट अ मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल ट्रेड्स गिवन बिलो एक्सेप्ट यस कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है यस yes, वो फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करता है उनमें से एक ऐसी है जो फुलफ़िल नहीं करती तो पढ़ लेते हैं कौन सी फुलफिल नहीं करती इट शुड बी जनरेट्स इट्स रेप्लिका बिल्कुल सही बात है वो एबल होना चाहिए उसका रेप्लिका जनरेट करने में इट शुड बी स्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली बिल्कुल सही बात है केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा तभी लंबे समय तक वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा या सेफ रखेगा यस इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर फास्ट चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ये गलत है फास्ट चेंजेस नहीं देखो इवोल्यूशन ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि इवोल्यूशन के लिए चेंजेस ज़रूरी है बिना चेंजेस के इवोल्यूशन हो नहीं सकता लेकिन फास्ट चेंजेस नहीं एन सी आर टी आप पढ़ना स्लो चेंजेस स्लो चेंजेस होना चाहिए यस yes, तो ये हो जाएगा आपका गलत इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मंडेलन कैरेक्टर बिल्कुल सही है तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ए कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एन विच इज कॉल्ड कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की एक स्ट्रैंड को कैटेलाइज करता है उसको क्या कहते हैं दो बार बता चुका हूं एक लास्ट बार और एक थ्री डैश टू फाइव डैश होता है इसी को रीड करता है और जिसकी रीडिंग करता है पॉलीमरेज जिस स्ट्रैंड की रीडिंग करता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं क्या टेम्पलेट स्ट्रैंड क्वेश्चन वन टू टू इज़ द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन एच वन विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियोसोम सोम है ये ऐसा न्यूक्लियोसोम सोम एन सी आर टी में और इसके ऊपर लिपटा हुआ आपका ये रैप्ड नेगेटिवली चार्ज डी एन एंड ये जो नेगेटिवली चार्ज डी एन ए हैं यहाँ पर एच वन हिस्टोन से होते हुए वापस से अगले न्यूक्लियो तक जाता है तो ये कह रहा है कि जो हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट है इसका मतलब क्या है ठीक है पढ़ लेते हैं डीएनए एन रेप्लीकेशन इज अकरिंग ऐसा कुछ नहीं है डीएनए एन में यस डीएनए द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर यस अरे न्यूक्लियोसोम जो है न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन जो है ये किसके लिए बताया जाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए और कंडेंसेशन ऑफ डीएनए के लिए बताया जाता है तो इट विल बी दानसर द डी एन ए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज ऐसा नहीं है ये कंडेंसेशन के लिए बताया जाता है एक्सपोज के लिए नहीं बताया जाता ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग ये भी नहीं है आंसर होगा आपका सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग डी एन ए रेप्लीकेशन ओकाजा की फ्रेगमेंट आर यूज टू इलागेट ओकाजा की फ्रेगमेंट किधर बनते हैं देख लेते हैं रेप्लीकेशन फॉर्क जो है वो कुछ ऐसे बनती है दोनों में से किसी को भी फाइव डेज टू थ्री डेज मान सकते हो अगर इसको मैं थ्री डेज टू फाइव डेज लिखता हूँ तो इसकी एंटी पैरल स्ट्रेंड हो जाएगी फाइव डैश टू थ्री डैश अब जो पॉलीमरेज है आपका वो यहाँ पर बैठा हुआ है दिस इज डी एन ए पॉलीमरेज यहाँ पर डी एन ए पॉलीमरेज बैठा हुआ है और उसके डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन जो है वो इधर है इधर की ओर पॉलीमरेज जा रहा है तो अब इधर की ओर जाएगा तो पॉलीमरेज जो है सबको पता है किसको रीड करता है ओनली थ्री टू फाइव वाली को रीड करेगा यू जाएगा तो थ्री टू फाइव इसको कंटिन्यूस रीड करेगा तो इसके सामने कंप्लीमेंट्री और एंटी पेरल स्ट्रेंड बना देगा फाइव डैश टू थ्री डैश ये वाली और इधर जाएगा तो जा इधर रहा है लेकिन रीड ये आप सबको पढ़ा होगा एप्लीकेशन रीड किधर करता है इस साइड की तरफ करता है रीड तो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनेगा जितना इसका डायमीटर है उतना ये रीड करेगा फाइव डैश टू थ्री डैश तो आप देखिए दीज दीज डी एन एफ फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ हैं देख लेते हैं इसको कंटिन्यूस वाली स्ट्रेंड को आप लीडिंग स्ट्रेंड कहते हो और जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेंड है ये वाली स्ट्रेंड डिसकंटिन्यूअस है इसको लैगिंग स्ट्रेंड कहते हैं तो ये बने कहाँ पे सबसे पहले तो लैगिंग स्ट्रैंड पर बने हैं तो लीडिंग वाला ऑप्शन कट कर दो दो यस yes, ले अब ये देखो द लैगिंग स्ट्रेंड टुआर्ड्स द एप्लीकेशन फोर्क और अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन फोर्क ये दोनों कैसे समझना है कि कब टूआस बोलेंगे और कब अवे बोलेंगे देखो जिधर की ओर ये पोलीमरीज जा रहा है ये इधर की और अगर डायरेक्शन है उनकी तो हम बोलेंगे टुवार्ड्स द फोर्क और अगर 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 पॉलीमरेज के मूवमेंट के ऑपोजिट अगर डायरेक्शन है तो उन्हें बोलेंगे अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन फोर्क तो इनकी डायरेक्शन आप देखो किधर की ओर है यस yes, पॉलीमरेज की मूवमेंट uh, के ऑपोजिट इधर की ओर पॉलीमरेज इधर जा रहा है इनका डायरेक्शन इधर है तो क्या बोलेंगे अवे फ्रॉम दर एप्लीकेशन फॉर्क नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्लाइसियो स्प्लाइसियो आर नॉट फाउंड इन आंसर सीधा इसका बैक्टीरिया स्प्लाइसी जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्प्लाइसिंग में काम आते हैं यस yes, एन में जब आप डायग्राम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का तो वहाँ पर कुछ ऐसे गोले गोले से बनाए हुए हैं वो गोले गोले से जो स्ट्रक्चर ये ऐसा स्ट्रक्चर आप देखेंगे एन में ये फाइव डैश टू थ्री डैश जब आप आर में ट्रांसक्रिप्शन का जो फोटो देखेंगे तो ये कुछ ऐसे गोले बनाए हुए हैं यस yes, ये गोले जो होते हैं यही होते हैं स्प्लाइसी स्प्लाइसियोसॉन्स का का फंक्शन क्या होता है बेटा स्प्लाइसिंग करना है स्प्लाइसिंग करना का मतलब इंट्रॉन को काटकर हटाना और एक्जोन को आपस में जोड़ना एंड बैक्टीरिया और प्रोकेरियोट प्रोकेरियोट में कोई स्प्लिट जीन नहीं होते है ना इंट्रॉन्स नहीं होते हैं ओनली कोडिंग पार्ट एक्जोन्स होते हैं तो अगर इंट्रॉन्स नहीं हैं तो इंट्रॉन्स नहीं है तो स्प्लिट जीन नहीं होगा स्प्लिट जीन नहीं है तो, तो, तो स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं होगी तो स्प्लियोसॉम भी नहीं बनेंगे आंसर इज स बैक्टीरिया बाकी देखो फंगस प्रो यू कैरियोट है प्लांट्स यू केरियोट है एनिमल यू केरियोट है और यू केरियोट में स्प्लिट जिन सिस्टम मिलता है तो स्प्लाइसिंग होगी स्प्लाइसिंग होगी तो स्प्लिय फाइनल प्रूफ फॉर डी एन एज जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शे एंड चेस अल्फ्रेट हारशे एंड मार्था चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद और कोई बहस नहीं हुई जेनेटिक मटेरियल के ऊपर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग करेक्टली replication fork का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखो ये थ्री है। अब पॉलीमरेज मैंने कहा जहां पर जो चौड़ा सिरा है वहां बैठा रहेगा कौन आपका पॉलीमरेज और वो सकड़े सिरा की तरफ मूवमेंट करेगा यानी कि इधर की तरफ ये मूव करेगा इधर ठीक है सभी में सेम इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉलीमरेज तो आप देखो थ्री टू फाइव ये रही तो इसको कंटिन्यूसली रीड करेगा और ये सही बनाया हुआ है और ये फ़ाइव टू थ्री ये गलत है अभी हमने पढ़ा ओका जा की फ्रेगमेंट जो होते हैं वो अवे फ्रॉम द फॉर्क यानी कि पॉलीमरेज के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए अगर ये इधर की ओर होते तो हम इसको सही मान लेते ये थ्री टू फाइव है तो ये फाइव टू थ्री इधर की ओर बनेगा इसने इधर की ओर बना रखा है ये वैसे ही गलत हो गया ये थ्री टू फाइव है तो ये फाइव टू थ्री अंदर की ओर बनेगा ये सही है और ये भी सही है आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट मैच एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी नहीं स्ट्रेप्टोकोकस पर ग्रिफिथ ने किया था हारसे एंड चेस ने टीएमवी पर नहीं टी टू पर किया था मैथ्यू मैसलसन फ्रैंकलिंग स्टाल ने कोलाई e. पर किया था जेकब एंड मोनार्ड लैक ऑपेरॉन दिस इज द करेक्ट मैच नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट ऑपरेटर होता है ओपेरों में आप सब ने देखा ई e कोलाई का डी यस yes, उसमें जो होता है आपका प्रमोटर होता है इनिबिटर होता है ऑपरेटर होता है जेड वाई ए ये तीन जीन होते हैं तो प्रोमोटर होता है प्रोमोटर लिखा है लिखा है स्ट्रक्चरल जेड वाई ए ये तीनों के तीनों जीन कैसे हैं स्ट्रक्चरल जीन है और इनहेंसर एनहेंसर नहीं होता यस yes, प्रमोटर होता है इनिविटर होता है ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल होता है नेक्स्ट एक्सप्रेसड सिक्वेंस टैक्स आर रेफर्स टू एक्सप्रेस सिक्वेंस टैक्स जो है वो क्या होते हैं एक्सप्रेस सिक्वेंस टैक्स जो होते हैं एम आर एन ए के ऐसे सिकवेंसेज होते हैं एम आर एन ए के ऐसे सिक्वेंसेज होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं एक्सप्रेस का मतलब जो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं यानी कि मैच्योर एम प्रोटीन फॉर्मेशन में कौन पार्ट लेते हैं एक्जॉन्स पार्ट लेते हैं और एक्जॉन्स केवल किस में मिलते हैं मैच्योर या फुल्ली प्रोसेस्ड एम आर एन ए में मिलते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका जीन एक्सप्रेस आरएनए अंडर ऑफ द अंडर ऑफ द फॉलोइंग विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग एम आर ए कि कौन से में कोई कह रहा है कि ये फ्रेम दी है अब इस फ्रेम में एम आर ए की इस फ्रेम को अगर रीड करें तो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं है ना चारों में कुछ चेंज किए हैं यस चारों ऑप्शन दिखा रहे हैं कि कुछ चेंज इस फ्रेम में करेंगे तो रीडिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी यस देख लेते हैं इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशन तो वन टू थ्री फोर यस फोर और फाइव यहां पर ए और जी का इंसर्शन यानी कि एक एक्स्ट्रा ए और यहां आ जाएगा और फिफ्थ पोजीशन पर एक, एक एक्स्ट्रा जी और आ जाएगा यस अब अगर आप एक एक्स्ट्रा ए और जी और यहां लाओगे तो कैसा बनेगा ये फाइव डैश ए ए सी यस फिर सी के बाद क्या जाएगा सॉरी ए आ जाएगा फिर वापस ए आ जाएगा फिर जी जी सी जी जी यू जी सी यू ए यू यू ऐसा कुछ बनेगा यस yes. देखो इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट आंसर आप देख सकते हो सिंपल क्वेश्चन है ये इसने ये बोला है कि इस फ्रेम की रीडिंग में कोई चेंज कब नहीं होगा ऑब्वियसली अगर आप किसी सिंगल नाइट्रोजन बेस को हटाओगे तो कोडोन चेंज होंगे उसके दो को हटाओगे तो भी कोडोन में चेंज कोडोन की रीडिंग में चेंज आएगी यस यस अगर आप पूरा का पूरा एक कोडोन ही हटा दे मतलब सॉरी दो नाइट्रोजन बेस हटाओगे तो भी कोडोन की रीडिंग में चेंज आएगी एक हटाओगे तो भी चेंज आएगी अगर आप पूरा कोडोन हटा देने तीन नाइट्रोजन बेस एक साथ हटा दे तो पूरा का पूरा कोडोन ही हट गया वो तो रीडिंग पर तो कोई इफेक्ट उसका होगा नहीं आंसर आएगा यहां बेटा डिलीशन ऑफ सेवन एट नाइन या तो पूरा एक आ, पूरा एक कोडोन हटा दे या पूरा एक कोडोन जोड़ दे पूरे एक कोडोन का इंसर्शन कर दे तीन नाइट्रोजन बेस का या पूरे तीन नाइट्रोजन बेस का डिलीशन कर दें तब ये रीडिंग फ्रेम कैसी होगी कंटिन्यूस होगी तो यहां पर देखो बाकी सब सिंगल और डबल दिए हैं यस ये तीन नाइट्रोजन बेस हटाएंगे तीन नाइट्रोजन बेस का एक कोडोन बन गया अब ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे ही हट जाएगा तो रीडिंग फ्रेम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी या कोई चेंज नहीं होगा बस ये कोडोन हटेगा नेक्स्ट अ कंप्लीटली रेडियो एक्टिव डबल स्टैंडर्ड डी एन ए मोलिक्यूल अंडर गोस टू राउंड ऑफ रेप्लीकेशन इन ए नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम वॉट विल बी द रेडियोटिव स्टेटस ऑफ फोर डाटर मोलिक्यूल्स देखो कह रहा है कि कंप्लीटली रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल है कंप्लीटली रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल है इसका मतलब डी एन ए मोलिक्यूल है रेडियो एक्टिविटी को हम आर से दिखा रहे हैं दोनों स्ट्रैंड इसकी रेडियोक्टिव है कह रहा है अंडरगोस टू राउंड ऑफ रेप्लीकेशन इन एन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम दो राउंड ऑफ रेप्लीकेशन तो नॉन रेडियोक्टिव को मैं एन से डिनोट करता हूँ यस जब रेप्लीकेशन होगा तो दोनों रेडियोक्टिव फ्रेम सॉरी स्ट्रैंड इसकी अलग हो जाएगी और नया जो अब स्ट्रैंड बनेगा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसमें जो उससे उसमें जो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे वो नॉन रेडियोएक्टिव होंगे तो ये हो जाएगा अब वापस से ये नॉन रेडियो एक्टिव ये रहा नॉन रेडियो एक्टिव यस अब ये हो जाएगा आपका एक आर वाला और एक एन वाला यहाँ नॉर्मल और यहाँ नॉर्मल फिर वापस से वही सेम चीज ये आपका आर हो जाएगा और ये आपका एन वाला लेकिन जो नया बनेगा वो नॉर्मल मीडियम या नॉन रेडियो एक्टिव बनेगा

Half of the daughter DNA number contain no radioactivity. This will be the correct answer. Yes, two, four में से दो में radioactivity नहीं होगी और दो radioactive होंगे तो ये सही होगा कि चार में से आधे जो है वो non-radioactive होंगे। Question number one three two. Question number one three two is वापस से वन थ्री वन जैसा ही लगभग लगभग क्वेश्चन है नॉर्मल डी एन ए मोलिक्यूल इज कंटिन्यूसली रेप्लीकेट इन एन मीडियम ओके देन वॉट इज द परसेंट ऑफ लाइटर डी एन द फोर्थ जनरेशन ओके कह रहा है नॉर्मल डी एन ए मोलिक्यूल का मतलब है कि उसमें जो एन है नाइट्रोजन का जो आइसोटॉप है वो नॉर्मल है यानी कि एन फोर्टीन और एन फोर्टीन ये नॉर्मल डी एन ए मोलिक्यूल था अब इसको किस माध्यम किस मीडियम में रेप्लीकेट करवाया जा रहा है एन फिफ्टीन में रेप्लीकेट करवाया जा रहा है तो यहाँ पर एन फिफ्टीन होगा तो अब जो भी नई स्ट्रेंड बनेगी उसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होगा वो कौन सा वाला होगा एन फिफ्टीन वाला तो सबसे पहले क्या होगा कि दोनों जो फोर्टीन वाली स्ट्रेंड्स हैं यस डी एन ए की दोनों फोर्टीन वाली स्ट्रेंड्स एक दूसरे से सेपरेट होगी तो ये फोर्टीन और ये फोर्टीन और जो नई स्ट्रेंड बनेगी डी एन ए की जो डीएनए की नई स्ट्रैंड बनेगी वो मीडियम से ली गई है कौन से 15 उसमें नाइट्रोजन जितना भी होगा वो सब कौन सा होगा हैवी नाइट्रोजन होगा 15 वाला होगा नेक्स्ट ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के बाद वापस से क्या होगा कि इस इस वाले डीएनए से इस वाले डीएनए में यस इन दोनों की चेन वापस से सेपरेट होगी तो ये वापस से 14 वाली हो जाएगी और ये 14 वाली हो जाएगी हमारे पास यस इसके बाद ये रही आपकी एक 15 वाली स्ट्रैंड और ये रही एक 15 वाली स्ट्रैंड अब नया जो मीडियम है वो कौन सा है n15 है तो नई जो स्ट्रैंड्स बनेगी वो सब कौन सी रहेगी बेटा 15 वाली रहेगी सब की सब नई स्ट्रैंड्स 15 वाली रहेगी यस yes. अब देखो ये फर्स्ट जनरेशन है

वो हाइब्रिड होंगे एंड रेस्ट डीएनए जो होंगे वो नए मीडियम वाले होंगे रेस्ट डीएनए जो होंगे वो होंगे आपके एन फिफ्टीन वाले यानी कि हैवी लाइट का मतलब है फोर्टीन वाला डी और फोर्टीन फिफ्टीन वाला जो डी एन ए ये हाईब्रिड डी एन और फिफ्टीन फिफ्टीन वाले डी को आप कहते हो हैवी डी एन एस तो आंसर होगा इसका जीरो परसेंट कोई चांस नहीं होगा फोर्थ जनरेशन में लाइटर डीएनए मिलने के क्योंकि जो रेप्लीकेशन किया जा रहा है वो हैवी मीडियम में किया जा रहा है तो लाइटर डीएनए नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम आर एन ए इज़ नॉट ट्रांसक्रिप्टेड कंप्लीटली चार एम आर ए दिए हैं पूछ रहा है कौन सा जो एम आर एन ने उसका कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा यस yes, देख लेते हैं फाइव डैश ए यू जी यू जी ए यू जी ए यू ए जी एंड यू ए ए दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स तो स्टॉप कोडोन आ गया इसमें यहां स्टॉप कोडॉन आ गया तो ये आ कंप्लीटली ट्रांसक्राइब नहीं होगा बीच में स्टॉप कोडॉन नहीं आना चाहिए स्टॉप कोडोन जब लास्ट में आता है तभी उसका हम बोलेंगे कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन हुआ है यहां बीच में आ गया यहां देख लेते हैं ए यू जी ए यू ए यू यू जी सी 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 एंड यू जी ए यहाँ लास्ट में आया स्टॉप कोडॉन इसका मतलब कंप्लीटली ट्रांसक्राइब होगा यहाँ भी बीच में स्टॉप कोडोन जो है देख लो कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर भी लास्ट में ये स्टॉप कोडोन है तो इसका भी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा ए यू जी यू एस सी सॉरी ए जी यू ए सी एंड यू ए जी दिस इज़ ऑल्सो स्टॉप को तो आप देखो बी सी और डी में डी वाले जो एम आर एन ए हैं इनमें स्टॉप कोडाउन लास्ट में आ रहे हैं इसका मतलब प्रोसेस बिल्कुल लास्ट में आकर के रुकेगी इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा जबकि फर्स्ट नंबर के एम आर एन ए में जो आपका स्टॉप <coughs> कॉडाउन है वो बीच में ही आ रहा है इसका मतलब ये एम आर एन ए जो है कंप्लीटली ट्रांसक्राइब नहीं होगा ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगी पूरा आगे तक नहीं पहुंच पाएगी तो आंसर क्या पूछ रहा है कि कौन सा एम आर एन ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट नहीं होगा यस yes. ट्रांसलेट नहीं होगा तो ट्रांसलेट ओनली ए नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए 3.2 पॉइंट टू किलो बेसिस आर प्रेजेंट इफ डीएनए सेगमेंट हैज एट टू जीरो एडिन इन मोलिक्यूल्स ओके देन वाट विल बी द नंबर ऑफ साइटोसिन एक डी एन ए का में इसने बेसिस की संख्या दे रखी है तो वो है थ्री पॉइंट टू किलो बेस थ्री पॉइंट टू किलो किलो में जो होता है वो होता है वन थाउजेंड यस किलो के लिए हम वन थाउजेंड वर्ड का यूज़ करते हैं यहाँ नीचे टेन आएगा तो टोटल बेसिस के नंबर कितने आ गए इस डी एन ए में थ्री टू डबल ज़ीरो बेसिस ये हमने इसमें ऐसे टोटल बेसिस निकाल लिए कि इतने बेस हैं इसमें कह रहा है कि एट ट्वेंटी जो है इसमें एडेनिन है अब जितना एडेनिन होगा यस लॉ ऑफ कंप्लीमेंट्रेटी क्या कहती है कि जितना एडेनिन होगा ठीक उतना ही क्या होगा थाइमिन होगा यस तो एडेनिन 820 है यस 820 ट्वेंटी एडेनिन है और 820 ही क्या हो जाएगा थाइमिन हो जाएगा तो, टोटल ये हो जाएंगे 1640. अब 3200 में से 1640 तो कौन हो गए एडेनिन और थाइमिन अब इसमें से जितने बचे लगभग लगभग कितने बचे लगभग बचे 1560. यस 1560. तो बचे हुए कौन हो जाएंगे बेटा थाइमिन एंड साइटोसिन यस अब थाइमिन और साइटोसिन जो है ये दोनों होंगे तो इसमें से 1560 में से, 15, से आधा तो थाइमिन हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा साइटोसिन 1560 का आधा यानी कि 780 एटी थाइमीन हो जाएंगे और सेवन एटी क्या हो जाएंगे साइटोसिन तो यहाँ क्या पूछा है कि कितना साइटोसिन होगा तो साइटोसिन कितना आ गया सेवन एटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यू कैरियोट्स आर एन ए ट्रांसक्राइब बोथ एक्सोन्स एंड इंट्रोन सही बात है यू कैरियोट्स हैव स्प्लिट जीन सिस्टम इन दियर जीनोम एंड स्प्लिट जीन में इंट्रॉन्स और एक्जोन दोनों होते हैं तो उनका जो एच एन आर एन ए बनता है यस yes, ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट उसमें इंट्रॉन और एक्जोन दोनों ही होते हैं बाद में स्प्लाइसिंग से उसे अलग करते हैं तो यह स्टेटमेंट जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा रीज़न क्या दिया है इन प्रो केरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स एट सेम साइट यस रीज़न जो है ये सही है प्रोकेरियोट यानी कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो सेम साइट पर होता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में एमआरएनए के कोड रीड करके प्रोटीन बनाया जाता है तो बैक्टीरिया में जो है वो ट्रू न्यूक्लियस या डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो वहाँ रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सारी चीज़ें लगभग लगभग कहाँ पर होती है साइटोप्लाज्म में होती है तो ये भी सही है असरशन भी सही है रीजन भी सही है बट द रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरशन तो आंसर आ जाएगा दोनों करेक्ट है एंड रीज़न इज नॉट करेक्ट यहाँ पर कोई कहीं दूर दूर तक एक्सप्लेनेशन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन 136 थर्टी सिक्स इज इन कैपिंग ऑफ एच एन आर एन ए एन अनयूजल न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड देखो अगर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की आर एन ए प्रोसेसिंग की तो फाइव डैश एंड पर कैपिंग की जाती है सेवन मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट सेवन एम जी टी पी की और थर्ड एंड पर टैलिंग की जाती है ऑलमोस्ट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ऑलमोस्ट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एडिनोसाइन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको ऐड किया जाता है थर्ड एंड पर यस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिंग में कैपिंग में आएगा, आएगा आपका मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोसफेट तो ये हो गया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोसफेट इज एडेड एट द फाइव एंड ओके इन टैलिंग एडिनाइलेटेड रेज्यूड्यू ऑफ टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड यहाँ दो हजार से तीन हजार है ये गलत हो जाएगा यस मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोसफेट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड यह आ गया बेसेज आर एडेड एट द थर्ड एंड ऑफ एच एन आर एन ए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर देखो ये जो थर्ड एंड पर जो ये पॉली एयरटेल होती है ये 200 से 300 हंड्रेड एडिनाइलेटेड रेसिडी होते हैं यस yes, इनके लिए कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं की जाती है जैसे ये जो एम आर बनाया था इसको किसको रीड करके बनाया था डी को डी को टेम्पलेट डी की एक जो स्ट्रैंड है थ्री टू फाइव उसको टेम्पलेट के फॉर्म में यूज़ किया था और उसका कम्प्लीमेंट्री क्या बनाया था एम लेकिन जहाँ यहाँ यहाँ पर किसी भी टेम्पलेट का यूज़ नहीं किया जाता टेल बनाने के लिए तो उसे कहते हैं टेम्पलेट इनडिपेंडेंट मैनर यहाँ लिखा है टेम्पलेट डिपेंडेंट तो ये भी गलत हो जाएगा अगला मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफोसपेट ए में सही है बी में टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड सही है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सही है अभी तक मैनर बाई द एंजाइम पोली ए पोलीमरेज सही है यही एंजाइम होता है यस yes, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड यहाँ ए में ये पहले ही गलत हो गया पोली ए पोलीमरेज नहीं यहाँ ए में आएगा मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफोसपेट ओके सो क्वेश्चन वन थ्री सेवन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स अबाउट जेनेटिक कोड आर नॉट करेक्ट कौन से करेक्ट नहीं है ओके द जेनेटिक कोड द कोडोन्स ट्रिपलेट सही बात है ट्रिपलेट होते हैं सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाई मोर देन वन कोडोन बिल्कुल सही है इसको हम क्या कहते हैं डी जनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड यस जैसे कि बहुत सारे हैं जैसे वेलाइन है तो वेलाइन के लिए चार जो है वो कोडोन होते हैं जी ए जी सॉरी जी यू जी जी यू ए जी यू यू और जी यू सी ये चारों कोड वेलाइन के लिए है तो यही कह रहा है इट इज़ कॉल्ड डी यस सही बात है होते हैं डी द कोड इज़ नेवर यूनिवर्सल गलत बात है कोड्स जेनेटिक कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल लगभग लगभग जो हैं सभी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं तो ये गलत हो जाएगा ए यू जी एस ड्यूअल फंक्शन इट कोड्स फॉर मैथियॉन एंड इट इज़ ऑल्सो इनिशिएटर कोड ये भी सही है आंसर हो जाएगा आपका थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम ओके रेगुलेटर जीन दिया है तो रेगुलेटर जीन जो है रेगुलेटर जीन सबको पता है कि जो रेगुलेटर जीन होता है उसको आप आई जीन कहते हो लेकोपेरों का रेगुलेटर जीन एंड आई जीन जो है कोड्स फॉर रिप्रेसर आई जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है तो यहाँ पढ़ लेते हैं ये देखो कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन ए हो गया बी प्रमोटर प्रमोटर इज़ बाइंडिंग साइट फॉर आर एन ए पोलीमरेस बी में थर्ड हो जाएगा ऑपरेटर इज बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन सी फर्स्ट एंड डी स्ट्रक्चरल जीन जो है कोड्स फॉर अ पॉली पैप्टाइड डी में सेकेंड हो जाएगा लेट्स मैच ए में फोर है बी में थर्ड है सी में फर्स्ट नहीं है तो ए में फोर बी में थर्ड सी में फर्स्ट एंड डी में सेकंड आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की और ये जो देखने हैं आपको तो लार्जेस्ट देखो ये जो जीनोम है सबसे पहले जीनोम वर्ड जीनोम वर्ड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल में टोटल कितने जीन हैं उसी को हम क्या कहते हैं जीनोम कहते हैं और अगर हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन जीनोम की जो आपने एच जी पी पढ़ा होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो ह्यूमन जीनोम में टोटल जो है एच जी पी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट अराउंड थर्टी थाउजेंड जीन्स हैं यस और थर्टी थाउजेंड जो जीन हैं वो कितने क्रोमोजोम में हैं ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम यस ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम में से ट्वेंटी टू ऑटोजोम्स थे यस yes, एक था आपका एक्स क्रोमोजोम और एक था वाई तो टोटल कितने हुए थे ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम तो सबसे बड़ा यूनिट इनमें से कौन होगा जीनोम होगा और एक जीनोम में कई सारे क्रोमोजोम इंक्लूड हो सकते हैं तो जीनोम के बाद क्रोमोजोम होगा और क्रोमोजोम के बाद जीन और जीन के बाद सबसे छोटा जो यूनिट होगा वो कौन होगा न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइट क्योंकि जीन जो है कई सारे न्यूक्लियोटाइट्स का सीक्वेंस या कई सारे न्यूक्लियोटाइट्स से बना हो सकता है जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और डीएनए का सेगमेंट जो है वो कई न्यूक्लियोटाइट से बना हो सकता है आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर वन यस क्रोमोजोम वन एंड मिनिमम नंबर आर क्रोमोजोम वाई सीधा आंसर है फर्स्ट क्रोमोजोम वन पर मैक्सिमम होते हैं और क्रोमोजोम वाई पर मिनिमम नेक्स्ट क्वेश्चन फिंगर प्रिंटिंग से दिया है एनालाइज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड चोज द करेक्ट ऑप्शन ओके ये फिंगर प्रिंट्स दिए हैं सैंपल डी एन ए का ये फिंगर प्रिंट दिया है ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल एक्स का और ये दिया है इंडिविजुअल वाई का अब देखो फिंगरप्रिंट बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो मैच कर रहा है जिससे मैच करेगा ये सैंपल डीएनए एक्स और वाई में से जिससे मैच करेगा उसका हो जाएगा तो देखो किससे मैच करता है सैंपल डीएनए ये ये और ये 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 मैच कर सकते हैं ये और ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये जो है सैंपल डीएनए को अगर आप मैच कराओगे तो एग्जैक्टली exactly ये मैच कर रहा है किससे सैंपल वाई से तो ये सैंपल किसका हो जाएगा वाई का हो जाएगा नेक्स्ट वाई एनालाइसिंग द डी एन एफ एन ऑर्गेनिज्म टोटल नंबर ऑफ फाइव थ्री एट सिक्स न्यूक्लियोटाइड वर फाउंड ओके आउट ऑफ विच द प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस यस किसी ऑर्गेनिज्म में फाइव थ्री एट सिक्स न्यूक्लियोटाइड है जिनमें से जो नाइट्रोजन बेसिस है उनका प्रपोर्शन यहाँ दिया है एडेनिन इतना है गुआनिन इतना है साइटोसिन इतना है और थाइमिन इतना है तो क्या कह रहा है कंसिडरिंग द रूल चारगा के रूल को कंसिडर करना है यस yes, और बताना है कि इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कंक्लूज़न दे सकते हो यस yes. तो पहली बात तो जो चारगाव का रूल है वो है लॉ ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी कम्प्लीमेंट्री का लॉ क्या है कि जो प्यूरन्स होते हैं यस yes, वो उनके कम्प्लीमेंट्री पैरिमिडीन्स हैं जो है पेयरिंग करते हैं जैसे एडेनिन जो है वो थाइमिन से पेयरिंग करता है या आर एन के केस में यूरासिल्स से और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से पेयर करता है यस अब इसका मतलब क्या है कि एडेनिन अगर थाइमिन से पेयर करता है तो इसका मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन यहाँ देखें एडेनिन ट्वेंटी है और गुआनिन कितना है सॉरी थाइमिन थाइमिन कितना है ओनली 19 है इसका मतलब एडेनिन गुआनिन इक्वल नहीं है सॉरी एडिन इन इक्वल नहीं है तो ग्वानिन साइटोसिन देख लो ग्वानिन 20 है और साइटोसिन कितना है 32 तो यहाँ ग्वानिन और साइटोसिन भी इक्वल नहीं है इसका सीधा सा मतलब है कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है स्ट्रक्चर चाहे डीएनए हो आरएनए हो क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होती तो प्योरिन और पायरिमिडिन के नंबर क्या होते या प्योरिन पायरिमिडिन का परसेंटेज क्या होता सेम तो डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत यस yes, और ये भी डबल स्टैंडर्ड नहीं है ये भी गलत हो जाएगा यस yes, आंसर क्या होगा ये सिंगल स्टैंडर्ड क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड में जो होगा सामने वाली तो कोई कंप्लीमेंट्री स्टैंड है ही नहीं सिंगल स्ट्रैंड है अब सिंगल स्ट्रैंड में साइटोसिन के रेशियो वेरी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन सम समयसेज डीएनए सिंथेसाइज बाई यूजिंग आर एन ए स्टेम्पलेट ओके यस सच यस देखो ऐसे डीएनए जिनमें आर एन ए जेनेटिक मटेरियल होता है सबको पता है कि उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है आर से एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है आरएनए को टेम्पलेट यूज करके और उस डीएनए को आप कहते हो कंप्लीमेंट्री डीएनए और सी डी एन क्वेश्चन वन डबल फोर इज विच सेट ऑफ आरएनए एन इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस तो ओके okay. टी आर एन ए बिल्कुल टी आए ए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है टी आर एन एमिनो एसिड को लाता है तो टी आर एन ए इन्वॉल्व होगा एम आर एन ए जो है वो कोडोन को ले जाता है तो ये भी इन्वॉल्व होगा आर आरेने, आर एन ए आर आर एन ए मतलब राइबोसोमल आर एन ए और राइबोसोम के बिना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता तो तीनों के तीनों ही आर एन ए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर देख लो टी होता है एम होता है एच एन आर एन ए का कोई रोल प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होता यहाँ भी एच एन आर एन ए आ रहा है और नीचे भी एच एन आर एन ए आ रहा है आंसर हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट इफ़ द बेस्ट सिक्वेंस ऑफ कॉडॉन इन एम आर एन ए इज़ फाइव डैश ए यू जी थ्री डैश द सिक्वेंस ऑफ टी आर एन ए पैरिंग विद इट मस्ट बी देखो कह रहा है कि भाई एम आर एन ए का सिक्वेंस दे रखा है कोडोन का तो टी आर एन ए में जो जिससे जिस एंटी कोडोन से पेयर करेगा उसका सिक्वेंस क्या होगा तो देखो पहली बात तो ये है कि जो कॉडॉन एंड एंटी कोडॉन होते हैं कॉडॉन एंड एंटी कोडॉन बॉथ कोडोन्स एंड एंटी कॉडोन्स आर एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंटी पैरेलल भी होंगे कोडोन और एंटी कोडोन एक दूसरे के और कंप्लीमेंट्री भी होंगे अब देखो कोडोन जो है वो क्या दिया हुआ है फाइव डैश ए यू जी एंड थ्री डैश तो इसका एंटी कोडोन जो होगा वो क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल होगा इसका मतलब जो है एंटी कोडॉन कहाँ से चलेगा थ्री डैश यस, yes, एडेनिन की जगह था आएगा है, तो यूरासिल, आ जाएगा, यूरासिल की की sorry, cytosyn, और यहां क्या जाएगा? 5 ये होगा एंटीपेल है तो पोलैरिटी चेंज होगी कंप्लीमेंट्री जो है ये आपने बनाया कंप्लीमेंट्री एंटीकोडोन यस कंप्लीमेंट्री एन एंटीपेल एंटीकोडोन तो देख लो देखो अब यहां पर ऑप्शंस जो है एक भी थ्री टू फाइव नहीं दिया है यस yes, सारे ऑप्शन कैसे दिए फाइव टू थ्री तो इस थ्री टू फाइव को इस एंटी कोडोन थ्री टू फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं अगर फाइव टू थ्री लिखेंगे तो कहाँ से चालू करेंगे यस ऑपोजिट साइड से फाइव डैश सी ए यू एंड थ्री डैश दिस विल बी द आंसर तो देख लो फाइव डैश यू एस सी नहीं होगा फाइव डैश यू एस सी नहीं होगा थ्री टू फाइव यू एस सी होगा फाइव टू थ्री जो है वो उल्टा हो जाएगा सी ए एंड यू दिस विल बी नेक्स्ट डी एन ए एंड आर एन ए डिफर्स बाई डी और आर एन डिफर करते हैं नाइट्रोजन बेसिस में करते हैं बिल्कुल सही बात है फॉस्पेट ग्रुप में नहीं करेंगे फॉस्पेट ग्रुप डी एन ए आर एन ए में सेम ही होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड शुगर नहीं दोनों में ही डी एन ए और आर एन ए में दोनों में ही पेंटोस शुगर मिलती है राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज एंड बोथ आर पेंटोस शुगर दोनों में ही पाँच कार्बन नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर्स यस हाँ इसमें हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी द आंसर क्यों क्योंकि डीएनए में डीओक्सी राइबो शुगर मिलती है और आरएनए में राइबोस और नाइट्रोजन बेसिस तो दोनों में अलग होते ही हैं यहां पर भी ग्रुप आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैक ऑपेरॉन ऑफ सबको पता है जो लेक ऑपेरॉन होता है यस yes, उसमें कौन कौन से जीन होते हैं लेक ऑपेरॉन में एक होता है प्रमोटर देखो एक प्रमोटर जीन होते हैं यस प्रमोटर जीन के बाद रेगुलेटरी जीन होता है एक कौन सा जीन रेगुलेटरी जीन आई जीन एक रेगुलेटरी जीन होता है एक ऑपरेटर होता है और तीन स्ट्रक्चरल जीन हैं जेड वाई एंड ए तो देख लो क्या दिया है फॉर रेगुलेटरी नहीं रेगुलेटरी जीन आई जीन जो है वो वन होता है सही है तो ये गलत हो जाएगा वन रेगुलेटरी जीन सही बात है एंड थ्री स्ट्रक्चरल ये जेड वाई ए इन तीनों को क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं तो ये सही हो जाएगा आपका टू रेगुलेटरी रेगुलेटरी टू नहीं होते थ्री रेगुलेटरी थ्री नहीं होते रेगुलेटरी यानी कि आईजीन जो है उनका नंबर वन होता है तो आंसर हो जाएगा वन रेगुलेटरी एंड थ्री स्ट्रक्चरल नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिसोम इज फॉर्म्ड बाय सी दी डेफिनेशन है पॉलिसोम और पॉलीराइबोसोम यस yes, जब एक एम आर एन ए पर जब सिंगल एम आर एन ए पर कहीं सारे राइबोसोम अटैच हो तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलिसोम या पॉलीराइबोसोम तो डेफिनेशन राइबोसोम विच सेवरल सब यूनिट गलत हो जाएगी राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन लीनियर नहीं सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए दिस विल बी द आंसर क्वेश्चन 149 इज वाटसन एंड क्रिक गेव द फेमस डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बेस्ड ऑन एक्स-रे एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय मैसल्सन स्टाल ने नहीं किया था ये किया था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने आंसर 4 नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज डी एन इन बैक्टीरिया देखो बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है सबको पता है कि डिवीजन से पहले रेप्लीकेशन होता है बैक्टीरिया में फिशन या अमाइटोसिस जो है उससे डिवीजन होता है और बैक्टीरिया में अमाइटोसिस या फिशन से जस्ट पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो आंसर आएगा ड्यूरिंग एसफेस विद इन न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस में नहीं होता जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन प्रायर टू फिशन फिशन से जस्ट पहले रेप्लिकेशन इसमें होता है यस थैंक यू